एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के लिए लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रीजनिंग में एंड जीएस में कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको उसके पहले बता देता हूँ कि मेरा बैच इंग्लिश और रीजनिंग दोनों का यूट्यूब मेम्बरशिप के थ्रू स्टार्ट हो चुका है 15 अगस्त से। अगर किसी को ज्वाइन करना है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज्वाइन बटन वहाँ पर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जो भी बैच आपको ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। मेंबरशिप आप ले सकते हैं और कभी भी आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको उसमें पीडीएफ भी दी जाएगी, क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे और प्रॉपर आपको डेली क्लासेस भी मिलेंगी, संडे को सिर्फ ऑफ रहेगा बस। क्लियर बात, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए बहुत ही कम टाइम है हमारे पास एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के लिए, क्लियर बात। तो मैं लास्ट 45 डेज इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि बीच में कुछ ना कुछ डेज आपके इधर उधर तो 100% होना ही होना है, ठीक है। तो 45 डेज अगर हैं आपके पास छुट्टी को हटा करके या फिर कभी तबीयत खराब हो जाए कुछ हटा करके, उन दिनों को हटा करके अगर 45 डेज बचते हैं तो उसमें आपको करना क्या है, किस तरह से आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। आ रही है बात समझ में? प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं और एक सेट को एक ही बार नहीं लगाना है, कम से कम दो बार लगाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेट लेकर के बैठ जाएं और इंग्लिश रीजनिंग और जीएस साथ में लगा लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कभी रीजनिंग उठा सकते हैं, कभी आप इंग्लिश उठा सकते हैं, कभी आप जीएस उठा सकते हैं। और कब से उठाना है? 2017 से, क्लियर बात। अगर 2017 से लेकर के 2023 तक के आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लिए एसएससी स्टेनोग्राफर के, तो फिर आपको एसएससी सीजल भी उठाने हैं, एसएससी एसएल भी उठाने हैं, एसएससी एमटीएस भी उठाना है, एसएससी सीपी भी उठाना है, अगर आप कर सकें तो। नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, स्टेनो के लगा लेंगे, उतना फिलहाल के लिए इनफ हो जाएगा। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप और भी एसएससी के जो पेपर्स हैं उनको भी लगाएं, क्योंकि एसएससी क्या है, रिपीट करती है, एसएससी का ट्रेंड रहा है आज तक। और वो कैब्स के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, वो कैब्स तो प्रीवियस ईयर की उठा लो, जितने भी 10-15 साल के हैं सारी की सारी कर डालो, वो कैब्स का आपका उसी से फंस जाएगा। वो कैसे चक्कर है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ब्लैक बुक ले लें, ये बुक खरीद लें, वो बुक खरीद लें, सारी याद कर लें, इस चक्कर में मत पढ़ो। वो कैप्स याद करने का एक ही मंत्र है और वो है प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको लगा डालने हैं, जितने भी वो कैप्स हैं सब की सब आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है कि आपके दिमाग में बस जाए बस, ठीक है। वो कैप्स याद करने का मतलब क्या है, आपको वो कैप्स देखनी है, उसका आंसर देखना, अगर नहीं आता तो उसको लिख लेना है, प्लस उनमें 4 ऑप्शन दिए रखे हैं वो भी आपको देखने हैं। ऐसा नहीं कि आपने वो कैप देखा कि भाई अगर मान लो वहाँ पे आ गया अप्रॉक्सिमिटी, उसका होता है नियरनेस, अगर आपको नियरनेस ऑप्शन मिल गया वो देख के आपने लगा दिया आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। बाकी जो 3 आप उसमें लिखी हुई हैं और वो कैप्स, उनको भी आपको याद करना है क्योंकि वही रिपीट होनी है और कुछ नहीं होना वो कैप्स में। तो वो कैप्स के लिए सिर्फ इतना ही करो, भागने की जरूरत नहीं है, क्लियर है बात। बात समझ में आ गई इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है। अब इंग्लिश में आता है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, क्लोज टेस्ट का पार्ट। क्लोज टेस्ट पूरा का पूरा आपका वो कैप्स से होगा, ध्यान रखना। अगर आपको वो कैप्स अच्छे से आते हैं तो क्लोज टेस्ट में आपको कोई भी मार नहीं सकता है। क्लोज टेस्ट में 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, वो कैप्स होती हैं, उनको आपको फिट करना होता है। अगर और वो सारी की सारी नियरनेस वाली आपकी वो कैप्स होती हैं, सबका मीनिंग लगभग लगभग एक ही होता है, तो आपको फाइंड आउट करना होता है कौन सी यहाँ पे लगेगी, क्लियर है बात। आधी बात समझ में? तो उसके लिए वो कैप्स आपको याद होना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो कैप्स याद करते टाइम बाकी जो 4 ऑप्शन है उनको भी आपको वो कैप्स भी याद करनी है, क्लियर है बात। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए देखो डेली रीडिंग करो, 30 मिनट्स एटलीस्ट डेली रीडिंग करो। द हिंदू पेपर ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, कोई भी ले लो, चाहे मोबाइल से कोई एक आर्टिकल निकाल लो आप नेट से, उसकी रीडिंग करो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सारी बात समझ में? रीडिंग 30 मिनट्स पर डे इस कंपलसरी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ना समझ पाएंगे और आपको एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगेगा और आपके मार्क्स वहीं से कम हो जाएंगे। हरी बात समझ में? इसे कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, 30 मिनट्स को रीडिंग आपको करना ही करना है। तो ये सारी थी इंग्लिश की बात। और एरर्स की क्लास जो मैं आपको, देखिए मेरा बैच भी चल रहा है उसमें मैं क्लासेस आपको दे ही रहा हूँ, तो एरर्स आपको वहाँ से भी आराम से मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको लगा ही लगाना है, उसकी सारी एरर्स आपको लगानी है इंग्लिश में, ठीक है। ये पूरा पार्ट हो गया हमारा इंग्लिश का। अब स्टार्ट करते हैं रीजनिंग आपको कैसे शुरू करना है। देखो सेम कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाने हैं सारे एसएससी स्टेनोग्राफर के 2017 से लेकर के 2023 तक सारे लगा लेने हैं। सीजल के भी लगाने हैं, एमटीएस के भी लगाने हैं, सीएचएसएल के भी लगाने हैं, सारे लगाने हैं आपको। आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करना है, जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है वो टॉपिक देखो कौन सा है, उस टॉपिक को अलग से पढ़ो। आ रही बात समझ में? पूरा टॉपिक अच्छे से पहले पढ़ लो,
उसके बाद जो भी बुक है आपके पास उससे आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर वो चैप्टर आपका वीक है तो वो आपका चैप्टर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने से नहीं सॉल्व होने वाला। सिर्फ जो वीक टॉपिक है आपका उसकी आपको किताब से प्रैक्टिस करनी है, बाकी सारे का सारा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना है रीजनिंग में। इतना ज़्यादा फंडा और कुछ भी नहीं है रीजनिंग में। आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाओगे, क्योंकि मैंने भी यही किया था। मेरा जो स्कोर था 45+ आया था पिछले साल। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने किया है, जो बच्चों को करना चाहिए। जिस तरह से मुझे सक्सेस मिली मैं वही सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं जीएस में। जीएस का ऑलरेडी मैंने आपको एक अलग से वीडियो दे दिया, बट स्टिल इस वीडियो में भी इसको हम कवर कर लेते हैं। देखिए जीएस में आपको क्या करना है, सबसे सिंपल फंडा जीएस का ही है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। क्या 2017 से लेके आज तक पूरे एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जीएस में, उन सारे की प्रैक्टिस करनी है आपको। और रिकमेंडेड बुक है आपके लिए पिनेकल। पिनेकल जीएस की बुक आती है 7500 क्वेश्चन की, उसको आप बाय कर लीजिए। अदरवाइज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जीएस में कुछ नहीं करना है। अभी टाइम बहुत कम है, करंट के पीछे मत भागना। करंट नहीं कर पाओगे अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो, अगर पढ़ते आ रहे हो तो कोई बात नहीं, बट अगर अभी तक नहीं पढ़ा है करंट आपने तो अब पीछे मत जाना। पढ़ोगे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ 2017 से उठाओ, जितने भी जब से टीसीएस आया वो बुक उठाओ पिनेकल की, वहाँ से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। स्टैटिक भी रहेगी, हिस्ट्री भी रहेगी, ज्योग्राफी भी रहेगी, इकोनॉमिक्स भी रहेगी, सब कुछ रहने वाला है उसमें। सब कुछ आपका उससे कवर हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। क्लियर है बात? तो ये अच्छे तरीके इनसे कि आप जीएस एस इंग्लिश एंड रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो मैंने आपको वही बताया जो मैंने पर्सनली लेवल पे किया, कुछ भी हवा में बातें नहीं है, कुछ भी आपको बहराने के लिए बातें नहीं है, सारी बातें वो हैं जो सच हैं, जो हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पे बता रहे हैं। क्लियर है? ओके, रिपोर्ट है, बात आ गई समझ में? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बैच ज्वाइन करना कर सकते हैं, रीजनिंग का, इंग्लिश का हमारा पर्सनल चल रहा है, दूसरा बैच भी चल रहा है स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया रीजनिंग बैच इंग्लिश का बैच भी शुरू हो रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए हो कमेंट करके बता सकते हो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।